सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। और ज़िमनन मैं एक बरकत के लिए एक वाक्या अर्ज कर देता हूँ। आप जानते हैं क्या हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला की एक मर्तबा फजर की जमात तर्क हो गई। दिल से बुरा लगता यार। तो आप इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि रोते रोते आपकी हालत गैर हो गई। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो दूसरे दिन आपने देखा कि आपके कमरे में कोई आपको जगाने आया है कि हजरत उठिए फजर पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह। आपने कहा तू कौन है? ओ चुप कर बाबा, शट अप। तू कौन है? खोते ना बच्चा। अरे भाई भाई भाई, भाई, भाई। माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मेरे कमरे में कौन है तू आ गया? तो उसने कहा कि मैं शैतान हूँ और आज आपको मैं जगाने आया हूँ। वाह वाह, सदके जावा। तो फरमाया शैतान नमाज की तबलीग कब से करने लगा? ये गड़बड़ है बाबा। यानी शैतान नमाज की तबलीग हजरत अमीर माविया के दौर से कर रहा। कहानी शैतानी तबलीग नमाज के लिए क्यों हो रही है? खजमा नु खाओ सारे मनु के लेना देना। हजरत अमीर माविया ने फरमाया तूने कब से नमाज की दावत देना शुरू कर दिया? तो उसने कहा मुझे नमाज से कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, दरअसल कल मैंने ही आपके तलवे सहला सहला करके सुलाए थे। बकाओ जी, टाइम खत्म होने लगा। लेकिन जमात छूटने की वजह से आप इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि आपको आपका रोना अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने फरमाया माविया को जमात छूटने का इतना गम है इसको 70 जमातों का सवाब अता कर दिया जाए। तो मैंने सोचा एक बार सुला दिया तो 70 का सवाब ले लिया, अगर आज भी सुला दूंगा तो 70 ना मिल जाए। इसीलिए उठिए जमात से पढ़िए और एक ही जमात का सवाब हासिल कीजिए। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था यार। ये शैतान भी कहता होगा कि ठीक है मैं भी छुट्टियां टूर जाना वहां। हाँ, इन्होंने ऐसी कुछ सीट मेरी संभाल ली है ना। इसका मतलब ये है कभी कभी शैतान नमाज की भी दावत देने निकलता है। ओ जाओ काम करो अपना, निकलो जो मामू पार्टी। लेकिन शैतान की नमाज की दावत के पीछे भी सियासत है। मौलवी बढ़िया होया बिच। इलॉजिकल झूठी बातें, इनका कोई दीन से लेना देना नहीं है। वो कहते हैं जी हजरत मीर माविया की एक दफा फजर की नमाज कजा होगी। यानी जिन लोगों के बारे में कुरान और सुन्नत के दलायल में अगर कोई चीजें इनको ना मिले उनको ऊंचा करने के लिए इन्होंने झूठे वाकयात मंसूब किए हुए। और ये कौन लोग सुना रहे हैं जो ये कह रहे हैं नबी को भी इल्म गैब नहीं है, वो शैतान का इल्म गैब मानते हैं। ये अल्लाह और बंदे का मामला। फिर तो बड़ा अच्छा तरीका, मतलब पता चल गया कि भी एक बंदा अगर नहीं उठता तो वो फिर ये इंतजार किया करे कि मुझे शैतान ही अब उठाएगा आके। वरना मैं रोजाना ज्यादा जो है हजरत मीर माविया की सुन्नत पे, क्योंकि आप तो कहते हैं कि साहबा जो है वो सितारों की मानंद है, जिसकी भी पैरवी करो कामयाब हो जाओगे, तो फिर पैरवी करें आप, रोजाना नमाज कजा करें, रोएं और ज्यादा नमाजों का सवाब कमाएं। फकी हाय हाय, कैसी फकी आई मेरे दिमाग से। हाय हाय।